गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन वन वीडियो। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को चेंज कर रहे किसमें? रेशनल नंबर में। स्टूडेंट्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल को चेंज कर रहे रेशनल नंबर में। फॉर एग्जांपल, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो चेंज करे तो ये कंटेन में आ रहा है। अभी कंफ्यूज होगा आप, क्या है कैसा है। देन सी सी स्टूडेंट्स, आपको मैं सिंपल में ट्राई कर दूँ समझाने की। 3.4 है, ओके। तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? ओनली वन डिजिट, इट्स मीन्स 10। और इसको एज इट इज लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल अगेन 3.44, ओके। हमेशा पॉइंट के बाद आपको रीड ऐसा ऐसा नहीं रीड करना, 44 नहीं रीड करना, आपको क्या रीड करना है? 44, ये मैक्स का रूल्स है। सो डेसिमल के बाद, सॉरी, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1, 2, 2 डिजिट है। सो 2 जीरोस, ऐसे याद रखो और इसको एज इट इज लिख दो। नेक्स्ट, अगेन इसकी बात करते हैं। डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1, 2, 3, ओके। सो 3 जीरोस, और ऊपर एज इट इज लिख दो। 9, सॉरी 8, 9, 7, 6, 7, 7। सो याद हुआ आपको, समझ पड़ गया? जितना पॉइंट के बाद डिजिट्स हो गए उतने जीरोस लगाना है, ओके स्टूडेंट्स। ये ट्रिक्स काम आएगा आपको। तो आपने कन्वर्ट कर लिया है नॉन टर्मिनल को, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल किस में कन्वर्ट किया है? एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है, ओके। तो ये तरीका है, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।